नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। चारा घोटाले मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। तो चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। डोरंडा केस में भी लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। तो चारा घोटाले के एक और मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। चारा घोटाले के डोरंडा केस मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि चारा घोटाला से जुड़े अलग अलग मामलों में लालू यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कई मामलों में वो जेल की सजा भी काट रहे हैं और अब जो लालू यादव की सजा का ऐलान होगा वो 21 फरवरी को किया जाएगा। तो बड़ी खबर, लालू यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चारा घोटाले के एक और मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। चारा घोटाले से जुड़ी जो सबसे बड़ी 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी, इस मामले में भी लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के बाद फैसले का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था और आखिरकार आज सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। विशेष न्यायाधीश एस के शशि ने मामले में 6 महिलाओं समेत 24 आरोपियों को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया है। उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले जिसके बाद 6 महिलाओं समेत 24 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वहीं दोषी करार दिए जाने के बाद सजा को लेकर के अब जो फैसला आएगा वो 21 फरवरी को आएगा। कोर्ट ने 34 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव समेत 41 आरोपियों की सजा पर फैसला 21 फरवरी को आएगा। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 5 में से 4 मामलों में लालू यादव को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। कोर्ट का फैसला आते ही बाहर मौजूद आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। आपको बता दें कि आरजेडी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनको ये उम्मीद थी कि इस मामले में कम से कम लालू यादव को राहत मिल जाएगी, लालू यादव को कोर्ट से बरी कर दिया जाएगा। लेकिन जब सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आया तो सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को दोषी करार दिया है और अब पूरे मामले को लेकर जो सजा का ऐलान है वो 21 फरवरी को किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर लालू यादव को लेकर के अब जो सीबीआई की विशेष अदालत है वो क्या सजा सुनाती है। आपको बता दें कि 5 में से 4 मामलों में लालू यादव को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।